In this chapter, I would like to explain you the things which the grammar terms which do not belong to tenses, जो tenses में नहीं आती हैं, उनकी बात करेंगे. जैसे मैंने first chapter में, first video में मैंने बताया था कि हम 7 tenses करते हैं और 7 के बाद, 7 tenses के बाद हम 3 चीज़ें करते हैं या उससे पहले आगे पीछे करके, मीन सेक्शन ए के अंदर हम 3 चीज़ें और भी करते हैं. वो हैं नॉन एक्शन मैंने आपको कराया, हैज हैव, यूज ऑफ हैव एंड यूज ऑफ देयर. अब इनमें डिफरेंस क्या होता है, टेंसेज इसमें टेंस नहीं होते, वर्ब नहीं होती है इनमें, बट इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा होते हैं. उनकी इंपॉर्टेंस और उनमें डिफरेंस क्या है, कहां हम देयर का यूज करेंगे और कहां हमने हैज हैव का यूज करना है, कहां इज एम आर का यूज करना है, इसका डिफरेंस आपको पता होना चाहिए. अगर इनमें डिफरेंस आपको पता है तो आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा, आप सही सेंटेंस यूज कर पाएंगे और आपको आना भी चाहिए इनका. तो नॉन एक्शन सेंटेंसेस क्या होते हैं, सबसे पहले हम शुरू करते हैं नॉन एक्शन सेंटेंस से. नॉन एक्शन सेंटेंसेस वो जो एक्शन ना हो जिसमें किसी चीज का रूप, रंग, स्थिति, स्थिति या उसकी दशा किसी भी वस्तु की या वस्तु के बारे में बताएं. मीन्स किसी वस्तु का हमने आकार, प्रकार, आकार, प्रकार उसको एक्सप्लेन किया हो, उसको बताया. मैं कहूं कि यह मार्कर मेरा है, मैंने बता दिया कि यह मेरा मार्कर है, यह छोटा मार्कर है, यह बड़ा मार्कर है, यह दीवार है, यह दरवाजा है, यह बोर्ड है. मीन्स हमने इसका नाम बताया, यह बोर्ड है, इसका नाम बताया, किसी का नाम बताएं, यह बड़ा है, यह काला है, ये हाँ, कोई भी दशा भाव बता सकते हैं, ठीक है, वस्तु का कोई भी, किसी वस्तु के बारे में बताएं, आकार बड़ा है, छोटा है, प्रकार किस प्रकार की है ये, तो उसके बारे में बात हो, तो किसी वस्तु का को हमने एक्सप्लेन करना हो तब बताएंगे. यह मेरा है, इट इज माइन, वह तुम्हारा है, इट इज योर्स, यह मोबाइल है, दिस इज मोबाइल, यह मोबाइल था, प्रेजेंट में या पास्ट में आपको बताना हो तो आपको ये इसमें करना पड़ेगा. क्लियर है बात आपको. इसमें सिर्फ बताना है कि कोई भी, जैसे हमने बताया था स्टार्टिंग में कि सब्जेक्ट होता है, हैज हैव, ये रूल होता है ना, ये आपको बताया होगा, हैज हैव, और हैड आएगा पास्ट में, और उसके बाद ऑब्जेक्ट बताया था, ये ऑब्जेक्ट है. मीन्स इसका, इसके साथ संबंध बता दें और पोजेशन बता दें, अधिकार बता दें, सिर्फ उसमें आएगा. इसका, इसके ऊपर अधिकार बताना हो किसी वस्तु के ऊपर, हमारी वस्तु में मैं कहता हूं मेरे दो हाथ हैं, आई हैव टू हैंड्स. अब ये हैंड्स की जो बात है, मेरा अधिकार बताया है कि मेरा अधिकार है, मेरे हैं, ये मेरे हैं, संबंध बता दिया, ये मेरा है. आई हैव टू हैंड्स, मेरे दो भाई हैं, आई हैव टू ब्रदर्स. मेरी एक कार है या मैं कार रखता हूं, मेरे पास कार है, एक ही बात है, आई हैव ए कार, ही हैज, मींस उसके पास क्या है, किसी चीज की कोई अंग किसी चीज के बताने हैं, किसी की चीज के हिस्से बताने, इस चीज के, इस चीज के ये हिस्से हैं, प्रॉपर्टी है इसकी, ये प्रॉपर्टी है, ये पुस्तक के पेज हैं या पुस्तक में पेज हैं, पुस्तक पेजेस रखती है, ए बुक हैज पेजेस, ये डिफरेंस है. इसमें अधिकार बताना है, संबंध बताना है, लगाओ कि इस वस्तु का, ये भी जो भी चीज है, इसके ऊपर अधिकार है, या अधिकार था, ये पास्ट में आ जाएगा. इसमें सिर्फ किसी चीज के बारे में को एक्सप्लेन करना है, आप कहें कि एक्सप्लेन करें, व्याख्या करें, एक्सप्लेन, उसको बताएं कि वस्तु वही है, कोई वस्तु जो है
वो कैसी है? मैं अध्यापक हूं, आई एम ए टीचर, मेरा प्रोफेशन बताया, मुझे एक्सप्लेन किया, आई एम अ टीचर, मैं एक लड़का हूं, मैं एक आदमी हूं, आई एम ए मैन, आई एम ह्यूमन बीइंग, मेरे इमोशंस हैं, आई हैव इमोशंस। मुझे एक्सप्लेन किया कि मुझे अगर एक्सप्लेन करेंगे कि मेरी एक मैं लंबा हूं, मुझे ही बता दिया, मुझे इसको बताएं कि यह क्या है, मार्कर है, यह काला है, वाइट है, यह छोटा है, यह उसका है, इट इज हिज मार्कर, यह उसका। अगर हम फिर उसके बाद बताते इसको तोड़ देते हैं, मान लो इसकी कैप है, इसमें आ जाएगा, इसकी निब है, ये इसमें आ जाएगा, इसके पार्ट्स की बात करेंगे, इसके हिस्सों की, इसकी पोजेशन, इसके पास क्या है, इसकी पोजेशन की बात करेंगे तो हैव नहीं आएगा। तो आपको यह करना है, इसमें सिर्फ उसी चीज को एक्सप्लेन करते हैं, यह एक्सप्लेनेशन है, व्याख्या है, यह व्याख्या है, मैं प्रोफेशन, एक्सप्लेनेशन है, व्याख्या है, तब यह आएगा। उसी चीज को एक्सप्लेन करेंगे तो नन एक्शन में आएगी, उस चीज के पार्ट्स की, उस चीज के अधिकारों की, उसके उसके पास और क्या क्या है वो उसकी बात करेंगे। ये सिर्फ किसी चीज का होना, भाई इसमें फालतू कोई बात ही नहीं है, इसमें सिर्फ बात है कि कोई चीज है, एग्जिस्टेंस अगर किसी चीज का है, कोई चीज है या होती है, तो ये देर से आएगा। सिर्फ कह दें कि कोई चीज है, वस्तु है, यहां और कोई क्रिया की बात नहीं है, कोई टेंस की बात नहीं। अगर हम टेंस को काल में लेके जाएंगे, प्रेजेंट और पास्ट, ये प्रेजेंट और ये पास्ट, वो तो है बट क्रिया नहीं है, काल तो है, टेंस तो है, उस हिसाब से टेंस को जब मैं बोलता हूं तो वो दूसरे होते हैं जिसमें 12 पार्ट होते हैं, उनकी बात करता हूं। वैसे टेंस का हिंदी में जो वर्ड करें तो वो काल होता है, काल तो इसके अंदर है, प्रेजेंट और पास्ट, लेकिन जो पार्ट होते हैं काल के वो नहीं है, एक्शन वाली बात करेंगे, वो नहीं है। देर में हम किसी चीज का सिर्फ होना बताते हैं, है कोई चीज, ये चीज है, इसमें इस वस्तु का, ये इसके पार्ट्स लगा सकते हैं, ये इसके हिस्से लगा सकते हैं, इसका अधिकार हो सकता है, इस बात को ऐसे समझना है आपको। तो ये डिफरेंस तो आपको तभी आएंगे आप इस बात को समझो, अभी मैंने डिफरेंस समझा दिया है। मेन चीज है कि आप प्रैक्टिस करें, बिना प्रैक्टिस के कोई भी टेंस नहीं आ सकता। हमने जितने भी चैप्टर पढ़ाए हैं आपको, यू विल हैव टू प्रैक्टिस, यू नीड अ टीचर एज वेल, आई एम नॉट टेलिंग, आपको एक्सप्लेन कर दिए, बेनिफिट आपको हो गया, आपको समझ में तो चीजें आ गई, आपको लग रहा होगा दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग, यू आर गेटिंग, यू नो नाउ द थिंग्स, आपको लग रहा होगा। लेकिन आपको जैसे मैंने बताया, रोटेट करके सेंटेंस बनाएंगे, इससे सेंटेंस बनाएंगे, सिंपल सेंटेंस जैसे मैंने लिखे हैं, सिंपल से बनाएंगे, वे अध्यापक हैं, तो आ जाएगा दे आर टीचर्स। उनके पास मार्कर है, वे अध्यापक हैं, उनके पास मार्कर है, दे हैव, मीन्स हमने टीचर की बात की, दे आर टीचर, दे हैव मार्कर्स। गांव में एक स्कूल है, ठीक है, गांव में एक स्कूल है, और ये सेंटेंस आपने रोटेट करके सेंटेंस सिंपल में बनाने हैं, एक इससे, एक इससे, एक इससे बनाओगे, ठीक है, और टीचर से चेक भी कराने हैं। अगर आप चेक नहीं कराओगे तो आप मिस्टेक करो, मिस्टेक से फिर आप सीखोगे, आपने गलती की, टीचर आपको समझा देगा कि आपको ऐसे करना है, ये सेंटेंस गलत है, ठीक है, आपने इसमें हिंदी भी लिखनी चाहिए और इंग्लिश भी लिखनी चाहिए,
ऐसे नहीं सिर्फ हिंदी में कुछ इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट होते हैं, वो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट क्या करते हैं, डायरेक्ट इंग्लिश में बना देते हैं सेंटेंसेस। दिमाग में पता नहीं क्या सोचा होता है, हिंदी पता नहीं क्या सोची होती है उन्होंने। हिंदी लिखना और फिर उसको ट्रांसलेट करना बहुत जरूरी है। तो हिंदी भी लिखेंगे, इंग्लिश भी लिखेंगे और रोटेट करके सेंटेंस से सोचेंगे हिंदी में, फिर इसको ट्रांसलेट करेंगे, फिर इसको सोचेंगे, इसकी ट्रांसलेट करेंगे, फिर इसको सोचेंगे, फिर तब आपको क्लियर होगा। ऐसे आप सब में सेंटेंस बनाते रहेंगे, फिर नेगेटिव में बनेंगे, फिर क्या वालों में बनेंगे। तो अभी मैं आपको एक और चीज बताता हूं, कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं थोड़ा सा घुमा के हम इसमें भी बना देते हैं। मीन्स कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो हैज हैव से भी बन जाते हैं, मीन्स इससे भी बन जाएंगे हैव से भी, और कुछ इससे भी बन जाएंगे। अब जैसे हम बात करते हैं, कुछ सेंटेंस ऐसे हो जाएंगे जैसे देयर है, बोतल में पानी है, ये सेंटेंस है मान लो, बोतल में पानी है। बात करेंगे इसकी, करेंगे बात पानी है, देयर इज वॉटर, वॉटर इन द बॉटल। इसकी बात की, देयर इज वॉटर, हमने फोकस किया कि यह चीज है, पानी है, कहां है वो बाद में एक्सप्लेन कर दिया, देयर इज वॉटर इन द बोतल, हमने एक्सप्लेन कर दिया उसको। और अगर हम इससे करेंगे शुरू, अगर पानी को इस बोतल का हिस्सा बना देंगे, द बोतल हैज वॉटर, दोनों सेंटेंस ठीक हैं। हमने इसका हिस्सा बता दिया कि पानी है बोतल का, द बोटल हैज वॉटर, हैज आएगा बोटल के साथ, बोटल एक है तो बोटल हैज वॉटर, दोनों सेंटेंस ठीक है। बोतल में पानी है, देर इज वॉटर, यहां फोकस, वॉटर है, देर इज वॉटर इन द बोटल, या द बोटल हैज वॉटर, बहुत सारे सेंटेंस बन जाते हैं ऐसे। हमारे घर में चार कूलर हैं, अवर हाउस हैज फोर कूलर, Our house has four cooler, या there are four coolers in my house. तो आपको उस बात की टेंशन लेनी, दोनों में भी बन सकते हैं वो सेंटेंस, और कुछ ज्यादा ही करोगे तो, लेकिन फॉर्मेशन ठीक होनी चाहिए। आप इसको कर दोगे ऐसे, water has bottle, वो तो गलत हो जाएगा, water has bottle, वो गलत हो जाएगा। जो चीज जहां होनी चाहिए वो वहीं तो होनी चाहिए, bottle को शुरू करोगे तभी सेंटेंस ठीक होगा। नेक्शन में भी बन सकता है ये सेंटेंस, कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो इससे भी बन जाएगा, इससे भी बन जाएगा, इससे भी बन जाएगा, तीनों से बन जाएगा वो सेंटेंस। ग्राफ में जनरली हमें जरूरत पड़ती है, जो स्टूडेंट्स आयल्स करते हैं उनके लिए कुछ ऐसे सेंटेंस, एक ही तरह का सेंटेंस होता है लेकिन उनको अलग अलग तरीके से लिखना होता है, तो उनको नेक्शन में भी बना सकते हैं, वो हैज से भी और देर से भी। ऐसे नेक्स्ट टाइम जब वो किस चीज करेंगे तो थोड़ा सा अलग करके लिख देंगे सेंटेंस को, और नेक्स्ट किसी और डाटे को एक्सप्लेन करेंगे तो वैसे लिख देंगे, ठीक है। तो जनरली मुझे यही समझाना था कि आप इसका डिफरेंस समझें कि नेक्शन कहाँ आएगा, कहाँ नेक्शन होगा, जब हम एक्सप्लेन करेंगे किसी चीज को, किसी चीज को बताएंगे कि ये चीज ऐसी है, ये चीज ऐसी है, इन्हीं से समझ लें आप, ऐसी है जैसी है, ऐसी है जैसी है की बात करेंगे तो नॉन एक्शन होगा, सिर्फ है या थी की बात करेंगे, बस एग्जिस्टेंस की बात करेंगे तो देयर होगा। ऐसी है जैसी है मींस ये चीज बड़ी है छोटी है, क्या है, मार्कर है, दिस इज मार्कर। ऐसी है जैसी है क्या है, ये सब उसमें हम नॉन एक्शन, और चीज है जैसे यहां बताया था पानी है,
बोतल है, देर इज बोतल। पानी था, देर वॉज होटल। तो सेंटेंस को आप समझेंगे तब आपको समझ में आएगा कि आप इसको एक्सप्लेन कर रहे हो कि हमारी गलतियां ना हो। हमें ये तो समझ में आता है फॉर्मेशन कहां पे क्या लगानी, आप हैज कहीं पे भी लगा दोगे। अगर मैं इस सेंटेंस को कहूं दिस हैज मार्कर, सेंटेंस रॉन्ग है। आप कहना ये चाहते हो यह मार्कर है, कहना तो आप चाहते हो यह मार्कर है, तो आना चाहिए दिस इज मार्कर। समझे आप? तो आप वो आगे पीछे कर दोगे। मान लो अभी आपने यहां किया देर इज वॉटर इन द बोटल, आप ऐसे कहो देर इज बोटल इन द वॉटर, वो उल्टा सेंटेंस हो जाएगा। तो हमारी फॉर्मेशन जो चीज जहां आगे आए, जो सब्जेक्ट हो सब्जेक्ट पे ही आए। जो मेनली समझे आप हमारे सेंटेंसेस में क्या होता है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसको लिखते हैं जिसके बारे में बात है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है मेनली। यहां बीच में क्या आना है, इज आना है कि हैज आना है, हैव आना है, क्या आना है, वो देखना होता है। कई बार देयर जो है देयर वाला सेंटेंस नहीं होता, आप उसमें हैज में बना देते हो। तो ये चीजें जो आएंगी प्रैक्टिस से आएंगी। तो अभी जो मैं आपको काम दे रहा हूं वो आपको काम करना है। आपको काम क्या करना है, प्रैक्टिस अगर इसकी करनी है, अगर आप चाहते हो कि मुझे सेंटेंस अच्छे से आए, मुझे सेंटेंसेस क्लियर हो, आपको सिंपल सेंटेंस बनाने हैं। हर किसी में मान लो ऐसे ही करना होता है, सिंपल बनाने हैं, रोटेट करके बनाने हैं सिंपल, एक इससे एक इससे एक इससे, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। एक हिंदी में बनाया ट्रांसलेट की, हिंदी बनाया ट्रांसलेट किया, हिंदी बनाया ट्रांसलेट किया, ठीक है। फिर ऐसे ही नेगेटिव, फिर इंटरोगेटिव, अगर आप ऐसे करोगे तो आप ये सेंटेंस बनाओ, प्रैक्टिस करो और टीचर से चेक जरूर करवाने हैं। चाहे किसी से भी कराओ, आई डोंट से जस्ट किसी से भी कराओ, चेक जरूर कराओ जिसको ये चीजें अच्छे से आती हूं। चेक सिर्फ वीडियो देखने से नहीं हो पाएगा, आई एम श्योर अबाउट दैट। भाई वीडियो देखिए समझ तो जाओगे, यू विल अंडरस्टैंड, आई एम श्योर, आई कैन से दैट आई डोंट वांट टू वॉच दैट, यू जस्ट वॉच इट एंड इट विल बी इनफ। नो, आपको चेक कराने, फिर कहीं गलती मिलेगी, कहीं मिस्टेक मिलेगी, उस मिस्टेक को वो टीचर दूर कर देगा, बस आपको आ जाएगी वो चीज। समझाने की बात होती है, वो जस्ट आई एम एक्सप्लेनिंग यू ऑल द थिंग्स, फिर वो टीचर जो है एक्सप्लेन कर देगा। तो प्रैक्टिस करनी है आपने इनकी, प्रैक्टिस करेंगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। अभी तक मैंने जो है, इट इज 12th वीडियो इन दिस कोर्स, 12th वीडियो के अंदर हमने जो है एक्सप्लेन कर दी है आपको, ये सारी चीजें एक्सप्लेन हो गई हैं। 10 थिंग्स हो गई हैं, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, तीनों तो इंडेफिनिट हुए हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, दो कंटिन्यू हुए और दो परफेक्ट हुए, तीन चीजें ये हुई, 7 टेंसेस और ये। तो ये कंप्लीट है सेक्शन ए, हमने एक्सप्लेन कर लिया। अब इसके बाद जो वीडियो बनाएंगे उसमें आपको टॉपिक कैसे लिखना है, कैसे इन चीजों को आपने अच्छे से और अच्छे से कैसे ट्रांसलेट करना है, सब्जेक्ट क्या है, वो चीजें उसमें एक्सप्लेन करेंगे। तो आपको जो है वो भी देखना चाहिए अच्छे से, नेक्स्ट वीडियो भी आप देखना, भी उसको अच्छे से समझना कि कैसे हम इन चीजों को यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, दैट्स ऑल फॉर दिस।